हेलो दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और हम लोग निकल रहे हैं अभी मंदिर के लिए। आज सोमवार है, सोमवार का फास्ट रखा हुआ है और हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर। आप लोगों को भी दिखाते हैं, भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। और मम्मी जा रही हैं फूल तोड़ने के लिए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट के पास, तो आपको दर्शन कराएंगे भोलेनाथ के, दिखाएंगे पूरा मंदिर। द्वार पे पहले स्थित है भोले बाबा की प्यारी सी मूर्त और ये है हमारे मंदिर का रास्ता। आगे दिखाएंगे हम आपको पूरा शिवालय और यहाँ पे गैया भी आई हुई है। और यहाँ पे ये है बेलपत्र का पेड़, सभी बेलपत्र गिरा रहे हैं पेड़ से और शिवालय में चढ़ाने के लिए। हाय शू, फूल क्यों डाला बाबू अपने मुंह में, क्यों डाला फूल? मंदिर में पूजा करके भोले बाबा के दर्शन करके अब हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट करते हैं हम लोग, फिर निकलते हैं घर की ओर।
महेश को तो घूमने के लिए चाहिए, यहाँ पे हो रहा है उसका मस्ती का टाइम। उसको बाहर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो खेल रही है गार्डन में। यहाँ पे फ़ोटो सेशन पूरा करके हम निकल गए हैं, अब हम गेट के पास थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचेंगे और कुछ वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जाते हैं हम घर की ओर। यहाँ पे का बैकग्राउंड बहुत मस्त आ रहा है, यहाँ पे खींचेंगे अब हम फ़ोटो। पूजा पाठ हो गई, अब ले रहे हैं हम घर का सामान, आ गए हम मॉल में। सामान हमारा निकल लेके निकले तो वो पहुँचे हमें लेने के लिए, तो अब जा रहे हैं हम मम्मी के साथ और मम्मी लोग आगे बैठे हुए हैं, हम आगे से बैठेंगे मम्मी लोगों के साथ में। मम्मी फोन आ रही है और सुन रहे हैं। आ आ आ ऐसा रे कैसे रे है बाबू। मंदिर से आके हम रूम पे पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हमें रूम पहुँचा के गए थे, अब हम लोग चेंज करते हैं और मैशो के सोने का टाइम हो रहा है, उसे सुलाती हूँ। और रूम देखो, जब मंदिर जा रही थी तो सारा सामान ऐसे फेंकी गई थी, सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो सामान समेटती हूँ, मैशी को चलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हाँ ये जेरी देखो, जेरी है मेरा, ये जेरी जेरी है, ये मैंने कहा था पाला इंच का जी बस, चल भी चल चल जेरी ले। मैशी चिल्ला क्यों रही है, क्यों चिल्ला रही बाबू? अच्छा तुझे भी जाना है, देखो देखो मेरा जेरी भी गया, देखो धूप लग रही है, तू क्यों गया बाहर? महेशु का सोने का टाइम हो गया, बोली थी मैं, सो गई महेशु। महेशु डेली 10-11 बजे के बाद से सोना शुरू हो जाती है, आप 12 बज गया उसको सोते हुए। महेशु कितनी देर सोया? आधा घंटा सोया ना आज, आधा घंटा, और दिन 2-3 घंटा सोती है, आज सिर्फ आधे घंटे में उठ गई और इसकी खुराफात हरकतें चालू हो गई हैं। क्या कर ले? पहली गल मम्मा को वाली कर दे, नहीं कर लेगा वहाँ है मम्मा, कैमरा में नहीं, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे मम्मा को, पहले यहाँ पे कर दे, कर ना कैमरा में ही जाके करेगा, कैमरा में जाके यहाँ पे कर, नहीं कैमरा में आके करेगी वो प्यारी, ए यहाँ पे कर दे, नहीं मैं क्या हूँ तेरा बिस्तर हूँ? अच्छा बिस्तर हूँ, बिस्तर हूँ, नीचे बिस्तर में क्यों नहीं छोड़ा है? आय कैसे होता है गुद्दी में मम्मा की गुद्दी में? चाय चाय चाय। मैशू सवेरे के लिए सब्जी काट रही है, मैशू मैशू क्या कर लो, सब्जी काट ले सब्जी, हाँ बोल दो, हाँ सब्जी काट लो ना, देखो इतनी काम वाली हो गई है, सब्जी काटती है सवेरे के लिए। मैशू हमें चले दुकान, क्या लेके आओगे? पैसे दिखाओगे लो, पकड़ो ये ना, जा रहे हैं हम लेने जा रहे हैं दूध खीर बनाने के लिए। मेरे डिनर की तैयारी होना शुरू हो गई है, मैंने क्या क्या बनाया दिखाती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ये बनी हमारी खीर, प्रसाद में सबसे पहले खीर ही बनता है तो मैंने सबसे पहले खीर बनाई है, और साथ में बनाए हैं आलू, और ये पूरी बनने की तैयारी हो रही है। मैंने तेल गरम हो रहा है, ये है मेरा गुद्दा हुआ आटा, और ये मैंने बना रखी है मूली की कड़ी, और साथ में है चावल, और साथ में एक और चीज़ बनने वाला है वो है पकौड़ी। पकौड़ी थोड़ा लेट बनाऊंगी, जिस टाइम पे सभी का ड्यूटी से पहुंचने का टाइम होगा उस टाइम पे पकौड़ी बनेंगी। पूरियाँ बना के हॉटकेस में बंद कर देती हूँ, ठंडी भी हो जाएंगी चलेगा, क्योंकि साथ में फिर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा 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 करके मैं बनाती रह रही हूँ।
मैंने फटाफट से पहले पूरी बनाई और फिर उसके बाद मैंने बनानी थी पकौड़ी। और आज प्याज तो खा नहीं सकते थे तो मैंने पत्ता गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और जैसे मैं पकौड़ी बनाना शुरू कर रही थी वैसे ही ड्यूटी से आने वालों का टाइम हो गया था, पता तो पहुँच चुका था। और उसके बाद रवि भी आ गया ड्यूटी से। जैसे मैं पकौड़ी बना रही थी रवि पीछे से आके तंग कर रहा था, अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहा था, बीच बीच में उंगली ला के उंगली यहाँ दिखा रहा था। मेरी पकौड़ियाँ बनी रही थी, बाकी को देने का टाइम हो रहा था तो मम्मी भूख लगाने के लिए फटाफट पूरी और खीर चढ़ाने के लिए लेके गई। फिर जैसे ड्यूटी से आए तो सभी लोगों को खीर या पूरी जिसको जो खाना होगा वो दे सकते हैं। खाना बनाते बनाते मुझे बहुत देर हो गई थी तो मुझे बर्तन भी धुलने थे। मैं साथ में पकौड़ी बनाती साथ में बर्तन भी धुल रही थी फटाफट से, क्योंकि मायसू का रोना शुरू हो गया था, मैं फिर मायसू को देखना था इसलिए मेरी स्पीड और तेज़ हो गई थी। ये हम हैं, ये मेरे घर वाले हैं और ये हमारे सोमवार की पार्टी हो रही है। अरे सावन के सोमवार की पार्टी हो रही है। ये तो है पीछे दे रहे, ये हम हैं, ये मेरी फैमिली है और ये हमारी पार्टी हो रही है। और इसी के साथ आज का हमारा ये ब्लॉग समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।